खबर चमोली से, जहां वन विभाग के तत्वाधान में रायका गोपेश्वर में वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह 1 से 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इस दौरान पूरे जनपद में विविध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रभागीय वन अधिकारी इंद्र सिंह नेगी ने कहा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य वन जीवों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में वन पंचायतें एवं महिला मंगल दलों के माध्यम से विविध जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। विद्यालय में ऑनलाइन माध्यम से चित्रकला, निबंध एवं वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिताओं में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को समापन समारोह दिवस पर पुरस्कृत भी किया जाएगा। शुभारंभ के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा पासवान, भाजपा जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट, पूर्व विधायक कुंवर सिंह नेगी, प्रभागीय वन अधिकारी इंद्र सिंह नेगी, सीईओ कुलदीप गौरेला, शिक्षक गण और स्कूली छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। इस बार जो है हमारा ये 1 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक हमारा वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे वनों में जो वन्य जीव जंतु और पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जो भी है, उसको कैसे हम सुरक्षित करें, किस तरह से हम जन सहभागिता के साथ जो है इनका सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें, तो इसके लिए स्थानीय लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को, स्कूल के विद्यालय को, अध्यापकों को, सभी को एक किस्म से हम जागृत करने के लिए या उनको उसके फील्ड में